भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि हे कृष्ण, आत्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप क्या है? ईश्वर कहाँ रहता है? आत्मा और परमात्मा बहुत बड़ी बात है। आज ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा है, परंतु इसका उत्तर आपको भी मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापिक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में स्थित रहता है। परंतु भगवान को लोग बाहर ढूंढते रहते हैं। कोई मंदिरों में ढूंढता है, कोई तीर्थों में ढूंढता है, कोई कंदराओं में ढूंढता है, कोई गुफाओं में ढूंढता है, कोई तपस्या में ढूंढता है, कोई कथाओं में जाकर ढूंढता है। संत कबीर ने कहा है कि मौको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे ही पास हूँ। कैसे पास हूँ? पुष्पे गंधस तिले तैलम काष्ठे बहिन्युपयोघृतम इच्छो गुणम तथा देहे पश्चात मनः विवेकता। जैसे तिल के अंदर तेल रहता है, पर तिल को छूने से तेल तुम्हारी अंगुलियों में नहीं लगता, लेकिन तिल के अंदर तेल है। यदि तिल के अंदर तेल नहीं है तो तिल को इस्पेलर में पेरने से तेल क्यों निकलता है? यदि होता नहीं तो निकलता क्यों? और निकलता है तो इसका मतलब है, और है तो छूने से अंगुली में तेल लगता क्यों नहीं? गन्ने के अंदर गुड़ है, लेकिन वो गुड़ दिखाई नहीं देती है। पर गन्ने के रस को जब गर्म किया जाता है और एक विशेष लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत गुजारा जाता है, तो उसी गन्ने से गुड़ भी बन जाती है और गुड़ से शक्कर भी बन जाती है, और गन्ना फिर नहीं दिखाई देता कि यहाँ गन्ना होता होगा शायद। जैसे गन्ने के अंदर गुड़ है, तिल के अंदर तेल है, फूल के अंदर खुशबू है, दूध के अंदर घी है पर दिखता नहीं, मथने से निकलता है, पुष्प के अंदर गंध है पर सूंघने से पता चलती है, आंखों से गंध दिखती नहीं। दुनिया की बहुत सी चीजें आंखों से देखी नहीं जा सकती, जैसे हवा आंखों से नहीं दिखती, लेकिन हवा जब चलती है आपके शरीर में स्पर्श करती है तो आपको ज्ञान होता कि हवा चल रही है। यह हवा चलती है, पेड़ के पत्ते हिलते हैं, डाले हिलते हैं, तो आपको देखने से पता चलता है कि डाल हिल रही, इसका मतलब हवा चल रही। लेकिन डाल हिल रही तो वहाँ ऊपर कोई बैठकर हिला भी सकता है, हवा ना चल रही हो। कोई जानवर हिला सकता, बंदर हिला सकता, आदमी हिला सकता है, पर धोखा हो जाएगा कि डाल हिलने से हवा चल रही। डाल कई कारणों से हिल सकती है, लेकिन हवा जब आपके बदन में स्पर्श करती है तो क्लियर हो जाता कि हवा चल रही है। इसलिए जो आंखों से दिखता है इतना ही संसार नहीं है। संसार के कुछ अंश को कानों से सुन करके समझा जाता है, संसार के कुछ अंश को छू करके समझा जाता है,
स्पर्श करके, और संसार के कुछ अंश को सूंघ कर समझा जाता है, और संसार के कुछ अंश को चख करके समझा जाता है, और संसार का थोड़ा सा अंश है जिसको देख कर समझा जाता है। इसलिए आपके पास में पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, इन पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इस जगत की चीज़ों का ज्ञान किया जाता है, इसलिए इनका नाम ज्ञानेंद्रियां हैं। और पांच ज्ञानेंद्रियां जो ज्ञान करती हैं, उस ज्ञान के ऊपर जब कर्म करने की बात आती है तो आपकी पांच कर्म इंद्रियां उस पर कर्म करती हैं। पांच ज्ञानेंद्रियों को पांच कर्म इंद्रियां मदद करती। किसी के भाग्य की रचना क्या भगवान करता है? ये करोड़ों लोग, अरबों लोग, इनके भाग्य की रचना भगवान के जिम्मे कर दी जाए तो भगवान भी तो थक जाएगा, बहुत लंबा काम उसको तुम सौंप दोगे। इसलिए भगवान ने एक व्यवस्था बना दी है कि आप जैसा कर्म कीजिए आपका वैसा भाग्य बन जाएगा। हमसे शिकायत मत करो, गिल्लाबाजी मत करो, आपको जैसा भाग्य चाहिए वैसा आप बना लीजिए। भाग्य बनाने के लिए भी भगवान ने स्वतंत्र कर दिया है, और मनुष्य की हर उम्र में भाग्य बनता है, बचपन में भी, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी, हर उम्र में भाग्य बनता भी है और बिगड़ता भी है। जितनी तुम ज़्यादा गलतियां करोगे भाग्य बिगड़ता चला जाएगा। तुम्हारे अंदर जितने अवगुण होंगे आपका भाग्य बिगड़ जाएगा। आप किसी उम्र में अपना सुधार करोगे भाग्य सुधरेगा। लोग समझते हैं हम चुपके चुपके गलती कर रहे हैं, कोई जानता नहीं है। कोई जानता है या नहीं जानता वो बात नहीं है, बात यह है तुम जानते हो, तुम्हारा कर्म जानता है, और जो कर्म तुम करते हो वो तुम्हारा कर्म तुम्हारे भाग्य को बनाता बिगाड़ता रहता है। आप अगर किसी बात के बारे में झूठ बोलोगे, जब लोग समझ जाएंगे ये झूठ बोलता है, तुमको पता नहीं चलेगा, तुम सोचोगे हम बड़े चतुर हैं, खिलाड़ी हैं, झूठ बोलते हैं, कोई जानता नहीं है, लेकिन कोई जान चुका है, कहीं से जान जाता है। जब जान गया तो तुम्हारे ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है, और जिसके ऊपर से विश्वास उठ जाए वो इस संसार में सफलता की ओर बढ़ना तो चाहता था, लेकिन उसकी सफलता में उसका झूठ ही बाधक बन जाता है, क्योंकि भरोसा खत्म हो गया। अब जब भरोसा खत्म हो गया तो तुम्हें बहुत अच्छे अधिकार नहीं मिलेंगे। इसलिए जो राजनीति में लोग पार्टी बदल देते हैं फटाफट, इसमें से उसमें, उसमें से इसमें, इसमें से किसमें, जिसमें तिसमें चले जाते हैं, वो जानते मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ। खिलाड़ी नहीं, तुम बड़े लालची हो, तुम जानते हो कि जहाँ मिल जाए खीर बनी हुई वहाँ खा लो मस्त, यानी जो पार्टी जीत रही उसमें शामिल हो जाओ, मंत्री बन जाओगे, ठीक है। लेकिन तुमको ये पता नहीं है जिस पार्टी को छोड़कर तुम जा रहे हो उस पार्टी में तुम्हारा विश्वास भी तुम्हारे साथ में जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। और इस पार्टी में लगे रहते तो शायद तुम मुख्यमंत्री के लेवल तक भी पहुंच जाते, अब तुम इधर उधर भटकते रहोगे, इसमें से उसमें, उसमें से इसमें, तो धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के, और बिकेंगे हाटो हाट के, कहीं गुजारा नहीं। विश्वास खत्म हो गया। पार्टी हो, घर हो, आश्रम हो, संगठन हो, ये विश्वास पर चलते हैं। बड़े बड़े अधिकार, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनको दी जाती हैं जो लोग पक्के और मजबूत होते हैं। जो डावाडोल हैं उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर नहीं पहुंचाया जाता, जिनके कोई निश्चय और संकल्प का ठिकाना ही नहीं। इसलिए बहुओं को भी चाहिए अपने से का बड़ा मैनेजमेंट रखते हैं। तीन बार दिन भर में फोन करेंगे कि भैंस पड़वा दिया कि पड़िया दिया है, काले रंग की है कि सफ़ेद रंग की है, दूध 10 लीटर दिया है कि 2 लीटर दिया है, भैंस की नांद पूर्व तरफ बनाया है कि दक्षिण तरफ बनाया है,
अरे तुम्हारे घर की भैंस मायके की भैंस की चिंता करते करते तुम भी ससुराल में भैंस बन जाओगी। वहाँ की टेंशन छोड़, बकवास खत्म कर, ये मायके वाले तेरे काम नहीं आएंगे। तुम अपने ससुराल के घर को इतना मजबूत बनाओ, इतना ताकतवर बनाओ, इतना शक्तिवान बनाओ कि मायके वाले भी तुम्हारे यहाँ हाथ फैलाएं कि कुछ मदद मिल जाए। दूसरों के सामने हाथ फैलाने की हालत नहीं रहनी चाहिए तुम्हारी, तुम्हारे हाथ देने के लिए फैलने चाहिए।